स्ट्रेट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पूर्णिया में आज ब्रह्म शक्ति संस्था द्वारा परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य परशुराम शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में परशुराम भक्तों ने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। कोई घोड़े की सवारी पर चल रहे थे तो कोई पारंपरिक हथियारों के साथ नजर आए। ये यात्रा पूर्णिया के चूनापुर से शुरू होकर रंगभूमि मैदान में जाकर समाप्त हो गई। यात्रा में शिरकत करने के लिए पूर्व विधायक राजन तिवारी आए। वहीं यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर थी। जगह जगह कैमरे और ड्रोन से शोभा यात्रा पर नजर रखी जा रही थी। मौके पर शोभा यात्रा समिति के सदस्य SM झा ने कहा कि परशुराम किसी एक जाति का आराध्य नहीं है, बल्कि सभी सनातनी विचारों के आराध्य रहे हैं। उन्होंने कहा कि परशुराम अच्छाइयों के प्रतीक है, सच्चाइयों की प्रतीक है और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ एक आवाज है। यही कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। राम हमेशा से बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के प्रतीक रहे हैं। अभी आपने कहा कि तैयारी इतनी मुकम्मल है कि इस आज तक लोग कहते थे परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों का है, नहीं, परशुराम अच्छाइयों के प्रतीक हैं, सच्चाई के प्रतीक हैं और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ने के प्रतीक रहे हैं। आज आप देखते हैं कि सर्वधर्म संभव है, यहाँ सभी यहाँ मौजूद हैं और ये सनातन सेवा संस्थान जो काम कर रही है निश्चित रूपेण समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़कर एकजुट करने का काम कर रही है। प्रभु परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर हम लोग समाजगत सारे बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, सारे प्रताड़क पदाधिकारियों को, सारे दुष्ट शक्तियों को मटिया मेट कर देंगे। यही आज के दिन हम लोग शपथ लेते हैं और आज अक्षय तृतीया का भी पर्व है, मिठास घोलने का हम लोग हमेशा से काम करते रहे, आज भी घोल रहे। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।